हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा टेरेस गार्डन में आप सबका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे क्रिजेंथिमम करंथम में कितनी अच्छी सी ब्लूमिंग हो रही है। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, धूप बहुत ज़्यादा है। देखिए इस कारण मेरे प्लांट्स की पत्तियाँ कितनी पीली पड़ गई हैं, फ्लावर्स भी झुक गए हैं सारे। 3 बार पानी डालती हूँ फिर भी सूख जाता है फ्रेंड। इसमें इस समय इतना ज़्यादा धूप हो रहा है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि पानी बहुत जल्दी सूख जा रहा है। और ये देखिए मेरे मेरी गोल्ड में भी कितनी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। ये भी सारे झुक गए थे, पानी सूख गया था इसमें भी फ्रेंड्स। देखिए अभी इस प्लांट की देखिए पत्तियाँ झुकी हुई हैं, बट्स भी झुकी हुई हैं। इस समय पानी बहुत ज़्यादा सूख रहा है हमारे प्लांट्स में, देख सकते हैं आप सब। और पिटूनिया भी देखिए, आज इतनी धूप है कि सारे फ्लावर्स देखिए कैसे झुक गए हैं, मुरझा गए हैं सारे फ्लावर्स, फिर भी कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। आज फ्रेंड्स मैं अपने जो रोट्स की कटिंग लगाई थी उसी की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए इसकी सॉइल मिक्सचर में मैंने फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा गुलाब है जो मैंने रेनी सीजन में कटिंग से इसको लगाया था, इसकी रूट्स देखिए काफ़ी अच्छी हो गई, इतनी लंबी लंबी रूट्स हो गए हैं इसके। और मिट्टी थी इसकी, मिट्टी मैंने निकाल कर तब इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ फ्रेंड। इसी सॉइल में मैंने देखिए बर्मी कंपोस्ट है 10% और 30% मिट्टी है और 20% राइस हस्क है और 1 चम्मच फंगिसाइड और एप्सम साल्ट है और नीम की खली है और 40% सैंड है फ्रेंड्स। देखिए कितनी भुरभुरी सॉइल है मेरी, देखिए 40% इसमें सैंड है। सैंड की मात्रा ज़्यादा होने से फ्रेंड्स प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। देखिए मेरी सॉइल कितनी भुरभुरी है, आप सब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले पहले। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सॉइल को अच्छे से मिक्स कर रही हूं और आप सब देख सकते हैं मेरी सॉइल कितनी भुरभुरी है। हमारे रोज़ प्लांट्स के लिए अच्छी सॉइल है। ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी मुझे कम लग रही थी, सैंड कुछ ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ी सी मिट्टी मैंने और ऐड कर ली है। ये देखिए अब मैं इसको अपने पॉट में डालूँगी। नीचे पहले मैंने पॉट में कपड़ा लगा लिया है, अब इसमें मिट्टी भरूँगी। देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी मेरी है। आप सब भी इसको ऐसे ही सॉइल मिक्सचर में लगाए फ्रेंड्स, इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है। इसी तरह मैं भी 3 प्लांट्स रोज़ की और रिपोर्ट करी हूँ। ये देखिए मैं अपने रोज़ के प्लांट्स को उस पर रखकर मिट्टी डाल रही हूँ। अच्छे से सॉइल पहले इसको भर लें, पूरे प्लांट्स को जो मिट्टी है ऊपर से पूरा कवर कर दीजिए उसको, ताकि जो उसका रूट बॉल है पूरा ढक जाए मिट्टी से हमारे। देखिए इसको मैंने फ्रेंड्स रेनी सीजन में इसकी कटिंग्स लगाई थी, बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट्स मेरा तैयार हो गया है। देखिए हेरेड रोज है मेरा, ये देख सकते हैं आप सब। इसमें मैं DAP के कुछ दाने डाल रही हूँ ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। अगर आप सबके पास हो DAP तभी डालना फ्रेंड्स। और ये एप्सम साल्ट है, 1 चम्मच में इसमें एप्सम साल्ट भी डाल रही हूँ ताकि हमारे प्लांट्स को कोई शौक ना लगे और अच्छे से ग्रोथ होने लगे इसकी फ्रेंड। देखिए कितना हेल्दी प्लांट्स है मेरा ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट्स।
आप सब देख सकते हैं। और इसकी वाटरिंग फ्रेंड्स अच्छे से करना। इसकी वाटरिंग में मैंने वाटर में मैंने फ्रेंड सी वी डिस्ट्रिक्ट का लिक्विड घोल बनाकर यही डाला है इसमें प्लांट्स में अपने। अब भी अगर सीविड हो आप सबके पास तो डाल दें, इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है, फ्लावरिंग भी अच्छा करता है और शौक भी नहीं लगता है इसको प्लांट को इससे। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार जब आप वाटरिंग करें फ्रेंड्स तो पानी बहुत ज़्यादा डालें ताकि हो ड्रेनेज होल से बाहर पानी निकल जाए आपके, ऐसा पानी डालें आप सब ताकि इसकी मॉइस्चर हमेशा बने रहे इसमें। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स इसे छाया में रखें, धूप में ना रखें, नहीं तो ये प्लांट्स मुरझा जाएंगे। ओके बाय।